प्रियंका एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल तो आज इस वीडियो में मैं आप सबके साथ में शेयर करने वाली हूँ चाहे वो इस तरीके का कोजी सा उसको आप दिवाली के लिए कैसे रेडी कर सकते हैं बहुत ही ईजी डेकॉर आइडियाज के साथ में और जितने भी प्रोडक्ट आज, आज आप इस वीडियो में देखेंगे स्पेशली जो फेस्टिव रिलेटेड प्रोडक्ट है वो सारे ही प्रोडक्ट मैंने अभी रिसेंटली रिसीव करे हैं एमेजोन से इनकी क्वालिटी काफी अच्छी है और फटाफट ये मुझे घर पर डिलीवर हो गए इसी वजह से मैं इतना अर्ली आपके साथ में दो इजी से डीआईवाई सेटअप आइडिया शेयर कर रही हूँ तो एक छोटा सा सिटिंग कॉर्नर जो कि हमारे मास्टर बेडरूम में है और आप में से बहुत सारे लोग मेरे साथ रिलेट करेंगे कि हम ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे कॉर्नर्स क्रिएट कर लेते हैं तो चलिए फिर देखते हैं इन कॉर्नर्स को हम डेकोरेट कैसे कर सकते हैं तो आप सबसे पहले शुरू करें वॉल से वॉल के ऊपर आप छोटे बड़े पेंटिंग्स या वॉल आर्ट लगा करके उसको बहुत आराम से रेडी कर सकते हैं वॉल के बाद में हमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो होती है कि हम किस तरीके से सिटिंग क्रिएट कर सकते हैं सिटिंग क्रिएट करने के लिए आप बेडशीट थ्रो या फिर दोपट्टे का यूज कर सकते हैं मैं यहाँ पर थ्रो यूज़ कर रही हूँ और खूब सारे क्वेश्चन रख के आप इस एरिया को कोजी बना लें अब जैसे कि मैंने आपको बोला अभी रिसेंटली अमेजन से मैंने बहुत सारे डेकोर पीसेस परचेज करे हैं तो ये इस तरीके के जो आप एम पर फिश के कटआउट देख रहे हैं दीज आर वन ऑफ देम ऐसे मुझे फोर के सेट में आए हैं इनको मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ बिकॉज दिवाली है और इनमें बहुत सारे कलर्स हैं तो ये देखने में और भी ज्यादा इस एरिया को ब्यूटिफुल बना देंगे आप देख ही सकते हैं कि कितने ब्यूटिफुल लग रहे हैं जो व्हाइट बॉल्स हैं उसमें इनकी वजह से थोड़ा सा कलर्स एड हो गया है अब यहाँ पर मैं कर्टन्स लगा रही हूँ बिकॉज दिस इज कम्प्लीटली ऑप्शन बट इस तरीके से जब हम कर्टन्स लगा करके इसे वॉल के ऊपर लेफ्ट एंड राइट साइड में थोड़ा सा टक कर देते हैं तो हमें डोर या विंडो जैसा लुक एंड फील देने लगता है जो कि बहुत ही बजट फ्रेंडली वे है अगर आप कुछ इस तरीके की चीज़ें क्रिएट करना चाहते हैं और आप देखेंगे कि इन कर्टन्स को लगा देने भर से कितना ज़्यादा एरिया चेंज हो गया है जैसे कि हम घर दिवाली के लिए रेडी कर रहे हैं तो मैंने सोचा कि ये जो डोर के ऊपर लगाने वाले लटकन होते हैं क्यों ना इस कर्टन रॉड के लेफ्ट एंड राइट साइड में इनको लगाया जाए व्हाइट कर्टन के साथ में जब मैंने इनको लगाया तो यहाँ पर आप भी देख सकते हैं कि कितना ज्यादा यू you नो know, वाइब्रेंट और कलरफुल लगने लगा है एकदम दिवाली के लिए अप्रोप्रिएट अगर आप रीडिंग रूक क्रिएट करना चाहते हैं तो एक ट्रे में बुक और कुछ कैंडल जरूर रखें और आपका एक कोजी सा रीडिंग कॉर्नर रेडी हो जाएगा आप चाहें तो इस तरीके का सिटिंग कॉर्नर भी क्रिएट कर सकते हैं इस बुक और ट्रे को हटा करके और देखिए ना देखते देखते ही बस हमने घर की छोटी मोटी चीजें और कुछ जो चीजें मैंने अभी से परचेस करी थी उसके साथ में मैंने एक छोटा सा कॉर्नर क्रिएट कर लिया तो इस तरीके के कॉर्नर्स आपके वॉर्ड्रोब या फिर स्टडी टेबल के साइड में डेफिनेटली खाली रह जाते होंगे तो उन कॉर्नर्स को डेकोरेट करने के लिए आप इस तरीके के छोटे स्टूल्स यूज कर सकते हैं साइड में अगर स्पेस बाकी है तो आप डेकोर पीसेस रख सकते हैं आपके घर में जो भी डेकोर पीसेस पड़े हुए आप उनको यूज कर सकते हैं मैं यहाँ पर एक प्लांटर रख रही हूँ आप चाहे तो एक छोटा सा स्टूल भी रख सकते हैं उसके ऊपर आप ट्रे रख लें और फिर यहाँ पर एक छोटा सा प्लांट जरूर ऐड करें बिकॉज यू नो इस तरीके के कॉर्नर्स में जब ग्रीनरी ऐड हो जाती है तो वो देखने में और भी ज्यादा सुंदर लगने लगता है टेबल के ऊपर आप चाहें तो बुक्स रख सकते हैं या फिर कोई भी तरीके का कैंडल होल्डर यहाँ पर मैंने इस कैंडल होल्डर को रख दिया है आप साइड में रखने के लिए मैं इस तरीके के और जो कैंडल होल्डर्स जो कि रिसेंटली अभी मैंने अमेजन से परचेज करे थे मैं यहाँ पर वो यूज करने वाली हूँ ये सेट ऑफ फोर आए हैं इनकी फ्रेग्रेंस बहुत ज्यादा यू नो सूदिंग है जब इसे आप लिट करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी सी एक एरोमेटिक स्मेल आपके घर के अंदर आपको आ, मिलने वाली है तो इस तरीके से मैंने ये चारों जो मेरे कैंडल पीसेस थे वो यहाँ पर मैंने रख दिया है लिड मैंने कैंडल बॉक्स के नीचे ही रखा हुआ है अब हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर मैं यूज कर रही हूँ ये एक बड़ा सा मिरर जो कि कार्व्ड मिरर है इसको मैं यहाँ पर नेल्स के ऊपर हैंग कर दूंगी और हमारा एक छोटा सा जो कोजी कॉर्नर है वो सेट हो गया अब इसे दिवाली के लिए अप्रोप्रिएट बनाने के लिए दिवाली के लिए रेडी करने के लिए आप इस तरीके के, के कलरफुल लटकर्स या फिर जो हमने पहले जो फिश वाले कटआउट्स यूज करे थे आप इस तरीके के कटआउट्स मिरर के ऊपर ही लगा सकते हैं अगर मिरर के ऊपर स्पेस नहीं है तो आप सेलो टेप की हेल्प से भी इन्हें फिक्स कर सकते हैं ये बहुत ही लाइट वेट है तो बहुत आराम से ये टेप की हेल्प से भी फिक्स हो जाएंगे या फिर छोटे छोटे नेल्स लेकर के भी आप इनको बहुत आराम से वॉल के ऊपर या फिर इस तरीके से जैसे मैं मिरर पर लगा रही हूँ आप मिरर पर भी लगा सकते हैं और बस आप जो भी आपके घर में या आपने इस कॉर्नर को डेकोरेट करने के लिए कैंडल्स यूज करे हैं उनको लिट कर दीजिए और आपका एक छोटा सा ब्यूटीफुल सा कोजी कॉर्नर सेटअप रेडी है आपके दिवाली के लिए ऑल फॉर टूडेड एंड रियप कि आपको आज के दोनों ही इजी से डी आई वाई डेकोर आए होंगे अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर टू माई चैनल और जितने भी रिलेटेड आप प्रोडक्ट्स देख रहे हैं आज, वो सारे ही प्रोडक्ट्स मैंने परचेज करे हैं एमेजॉन से और इनका जो प्रोडक्ट का परचेज लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिविन है इनकेस अगर आप इन्हें परचेज करना चाहते हैं क्योंकि अभी एमेजन के ऊपर बहुत ही अच्छी डील्स एंड ऑफर्स है अवेलेबल अगर अभी तक आपने दिवाली के लिए शॉपिंग स्टार्ट नहीं करी है तो आप इन प्रोडक्ट्स के साथ में डेफिनेटली ब्राउज जरूर करें दिस इज इट आई सी यू नेक्स्ट टाइम विद अनदर वीडियो टिल देन। स्टे होम टेक केयर एंड बाय बाय